और ये दोस्तों, अब आपको चौथे भाग में सुनार के काम में ले चलते हैं। और चौथे भाग में आपको हार के बारे में जानकारी देते हैं। महिलाएं ज्यादातर शादी विवाह में या वैसे भी हार पहनना बहुत पसंद करती हैं। गले का हार किस प्रकार बनाया जाए, आइए थोड़ी सी इसकी जानकारी दें। हार बनने से पूर्व प्रथम 18, 22 या 23 कैरेट का सोना बनाया जाता है। ज्यादातर 22 कैरेट का बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ठीक क्वालिटी का है। उससे बढ़िया क्वालिटी है 23 कैरेट की। 24 कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है, लेकिन उस शुद्ध सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाकर उसे 22 कैरेट का या 23 कैरेट का कर दिया जाता है, जिससे उसमें मजबूती बरकरार रहे। आइए हम ले चलते हैं इस चौथे भाग में हार बनाने की कला। किस प्रकार आप हार बनाएं, देखिए एक बना हुआ हार मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बना हुआ हार, ये देखिए, ये इस प्रकार गले में डाला जाता है और पीछे इसके एक धागा लगा दिया जाता है। तो हार बनने की प्रक्रिया क्या है, देखिए। हार बनने से पहले मान लीजिए हार 50 ग्राम का बनाना है, तो प्रथम 50 ग्राम सोना 22 कैरेट का हो या 23 कैरेट का हो, उसे सबसे पहले डाइयों की तरफ ले चलते हैं। इसमें जो जो डाई लगी हुई है, देखिए ये बीच बीच में ये सारी की सारी जो है ये डाई लगी हुई है। देखिए किस प्रकार ये डाई लगी हुई है, ये गोल टोपियों की ऐसे डाई लगी हुई है। ये बीच में ये डाई लगी हुई है, तो प्रथम हम इन डाइयों को पत्ती उसी हिसाब से पत्ती खींच करके डाइयों को काटेंगे। और जब ये डाइयाँ तैयार हो जाएंगी तो उसे इसी तरह लाइन में लगाएंगे जिस प्रकार ये लाइन में लगी हुई है। देखिए किस प्रकार ये लाइन में लगी हुई है ये डाइयाँ। तो डाई लगा करके फिर हमने ये चैन लेनी है, इसे पट्टा चैन कहते हैं, जो ये जेंट्स के भी काम आती है। तो इस प्रकार से ये चैन काट करके मान लो कि ये 8 इंच चैन है, 8 इंच के 3 टुकड़े लेने हैं। 8 इंच पट्टा चैन के 3 टुकड़े लेकर के उसे गोलाई में घुमा दिया जाए और उसे जैन पेपर में सजा दिया जाए जिसके ऊपर बनाए जाते हैं। बना करके ये ऐसी इसी प्रकार डाइयाँ बीच में लगा दी जाए और उसे जोड़ दिया जाए। और जोड़ने के बाद यदि कोई मीनाकारी करना चाहे, इसके अंदर मीनाकारी भी हो सकती है, तो इसके ऊपर इस प्रकार डिजाइन बना दिया जाएगा। जैसे यहाँ इसके अंदर यदि मीनाकारी करना चाहें तो स्प्रिंग के द्वारा नीचे पत्ती डालकर उसके ऊपर मीनाकारी हो सकती है, या उसमें गोल घुमा करके नग भी लगाए जा सकते हैं। ये हर किसी के अपने अपने डिजाइन के अनुसार है। कोई भी इससे अलग डिजाइन बनाना चाहें तो पूरे ही तारों का ही डिजाइन बनाया जाता है, उसमें डाई भी नहीं लगाई जाती है। लेकिन हमने ये जो डिजाइन दिखाया है इसको तैयार करने में कम से कम 4 और 5 घंटे का समय चाहिए। इस 4-5 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा हार जब तैयार हो जाएगा, तब इसे हरीठे के पानी से धो दिया जाएगा और उसके बाद इसमें मीनाकारी की जाएगी। यदि मीनाकारी कोई पसंद है जिसे, तो मीनाकारी की जाएगी और मीनाकारी के बाद उसे पॉलिश की जाएगी। फिर ये पॉलिश होने के बाद उसे कटिंग की जाएगी, एक मशीन के द्वारा कटिंग भी की जाएगी। उसके बाद संपूर्ण हार तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सा हार के बारे में बताया है। जो सज्जन हैं इसको प्रयोग करना चाहें और अपनी जो उनके घर में हैं महिलाएं हैं वो इसे पहन सकती हैं और बहुत ही अच्छा उनको लगेगा। कुछ डिजाइन हम फोटो में भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये किस प्रकार से ये लोग डिजाइन
अलग अलग डिजाइन है जिसे अलग अलग तरह से बनाया जाता है। देखिए किस प्रकार है, ये देखिए किस प्रकार से ये डिजाइन बनाए जाते हैं, और ये देखिए इसमें फार्मूला वही है कि प्रथम डाइयाँ काटी जाएंगी, डाइयाँ कटने के बाद फिर जो जो भी चैन अलग अलग हो वो चैन लेकर के उसे उसी के बीच में जोड़ा जाएगा जिस प्रकार का डिजाइन हो। देखिए किस प्रकार है, और देखिए ये भी देखिए किस प्रकार है, ये इस प्रकार ये डिजाइन बनाया जाएगा। तो इसमें बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत ही बारीकी है, इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक बनाया जाता है क्योंकि सोने का काम है, बहुत सोना कीमती होता है, सोना वेस्टेज भी जाता है जो नीचे से हमें उसे मतलब कि इकट्ठा करना पड़ता है, उसे इकट्ठा करके फिर यूज में लाया जाता है क्योंकि सोने का काम हमें बहुत ही ईमानदारी से करना पड़ता है, उसकी क्वालिटी देनी पड़ती है। इस प्रकार से ये हार बनाए जाते हैं, देखिए किस प्रकार ये हार हैं, ये अलग अलग डिजाइन के हैं, डाइयों के हैं, तारों के हैं, साथ में इसमें कुछ बहुत सारे जोड़ भी लगे होते हैं।